आज भी मैंने ड्यूक की बैटरी चेंज करा लो, टायर के लिए मैं जाऊंगा कल। सो व्हाट्सअप पीपल हुज बैक विद रोडी, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करने के लिए मुझे जंप स्टार्टर चाहिए होगा, जंप स्टार्टर मेरे पास है। सो उससे पहले मैंने बाइक को रिमूव करना पड़ेगा, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, फिर निकालता हूँ, फिर जाता हूँ बैटरी को रिप्लेस कराने के लिए। सो मेरे पास ये जंप स्टार्टर है, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, वैसे आई कार्ड सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। पहले मैं बाइक को रिमूव करता हूँ और फिर मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। सो दीज आर द टू टर्मिनल प्लस माइनस, इनमें मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। तो जैसे देख रहे हैं कनेक्शन हो गया है, अभी बाइक को ऑन करना है और ऑन लेके फिर मारना है सेल्फ। अगर आप पहले बार जंप स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे होता है जंप स्टार्ट। हो गया, मेक श्योर करें कि जंप स्टार्ट हो गया है कम्प्लीटली और 2 मिनट स्टार्ट रहने दें, जिससे कि ये हो जाता है कंफर्म कि हाँ यार बंद नहीं होने वाली है। तब उसके बाद ही सीजे हटाना और दोबारा सीट वगैरह लगाना अगर आप सोच रहे हो तो करने के लिए। तो यू नीड टू बी केयरफुल, ऐसे सिचुएशन में बाइक बंद नहीं होनी चाहिए, और दुकान पे भी जाए तो वहाँ भी बंद ना करके बैटरी ना मिले और आप बंद कर दे बाइक को। काफी लंबे टाइम बाद चला रहा हूँ बाइक को, पता अजीब सा लग रहा है मुझे। ओहो क्या डिफरेंस महसूस होता है BMW चलाने के बाद, जो एक बिग एडवेंचर बाइक चलाने के बाद, अपनी KTM चलाने में। काफी लंबे समय से बैटरी में इश्यू आ रहा था, मैं सोचा चेंज करा लूंगा, फिर लॉकडाउन हो गया कि फिर सोचा यार चल छोड़ो यार, बाइक तो वैसे नहीं चलनी, खड़ी रहनी है, नई बैटरी लाऊंगा फिर डाउन हो जाएगी। अभी सोचा फाइनली कि हाँ यार अब बैटरी चेंज कराते हैं। बहुत ही डिफरेंट फील होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट फील हो रहा है मुझे, अजीब सा लग रहा है कि हाँ यार क्या चला रहा हूँ पता नहीं क्या। छोटी सी बाइक है, पहले इसी पे लॉन्ग टूर करता था मैं, ये ऐसा लगता है कि शोर ज्यादा कर रही है, चल कम रही है। यार लिफ्ट मांग रहा था बंदा, अब लिफ्ट दे नहीं सकती, ऐसा सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके उतना करना चाहिए। अब यार सभी को दिक्कत आ रही है, क्या करें, जो नॉर्मली चीजें है ना वो सब कुछ चेंज हो गई है, सब कुछ बदल चुका है। जैसे कि बताया था इसमें बाकी भी कुछ काम कराना, वो मैं कल की सोच रहा हूँ, देखता हूँ नेक्स्ट से नेक्स्ट डे जाऊँ। मुझे एक शॉप का पता चला है कि वहाँ पे अच्छा सामान मिलता है, टायर मुझे चाहिए ना वो उसकी जो डेट ना जल्दी वाली हो, ज्यादा लंबे टाइम से रखे रहेंगे तो फिर उनमें डलवाने का मजा नहीं आता है, और वो ये नहीं करना है कि 6 महीने 7 महीने 8 महीने पुराना टायर ले लिया, 1 साल पुराना टायर ले लिया, क्योंकि 1 साल की जो लाइफ चली गई 4 साल बचे उसमें, क्योंकि KTM अब कम ही चलने वाली। स्टिकी मैट जीलर डलवाऊंगा या देखता हूँ मिशलिन डलवाऊंगा, जो मुझे काफी अच्छा लाइक माइलेज देती है। जब आपके पास व्हीकल्स ज्यादा हो जाते हैं ना तब ऐसा ही होता है कि आपको फिर अलग तरह से चीजें सोचनी पड़ती है। ये रोड काफी मस्त है, आगे से मोटर लोग शायद इधर करूँ, क्योंकि वो वाला रोड थोड़ा सा कॉमन हो गया काफी लंबे समय से, उसमें मोटर लोग बना रहा हूँ। यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यार क्या अच्छा लगता है, यहाँ पे डिवाइडर वाइडर भी है, ग्रीनरी भी है, काफी अच्छा लगेगा मोटर लोग यहाँ पे करना और दिखाना आपको ये एरिया भी अपना। ये आपको पता नहीं मैं साउथ वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली में भी ऐसे एरिया जहाँ पे लास्ट टाइम सर्विस करा के जब क्लच में उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, थोड़ी सी टाइट कर दी है, टाइट यहाँ से लैग नहीं नजर आता, इधर से लैग एक दूसरा वाला होता है कि यहाँ से लैग हो, वो यहाँ से वाला लैग है, जिससे कि क्लच थोड़ी लेट छूटती है, जिससे थोड़ा सा मुझे अलग डिफरेंट फील होता है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ऐसी, मैं थोड़ी सॉफ्ट क्लच रखता हूँ, और जिसे चलाने में आसानी होती है और जल्दी से छूट जाती है, मतलब समझ रहे होंगे ना मेरी बात आप, अगर थोड़ा सा बाइक चलाते हैं तो आपको पता ही होगा, और डेफिनेटली बाइक चलाते हैं तभी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे आप। नेक्स्ट सर्विस में जाऊंगा थोड़ा सा इसको ठीक कराऊंगा, और मुझे वो पहली वाली फील आनी चाहिए, पता नहीं क्यों चेंज कर दिया, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था कि चेंज कीजिए आप या कुछ, मुझे इसमें दिक्कत लग रही है, आप कुछ इसको एडजस्ट कीजिए। यहाँ पे आगे चल के आती है बैटरी के स्टोर, काफी अच्छा स्टोर, काफी अच्छा तो क्या है कि काफी ज्यादा वैरायटी में बैटरी मिल जाती है, हर तरह की बैटरी मिल जाती है, तो इश्यू नहीं आएगा, वहां पे जाऊंगा सीधा बैटरी मिल जाएगी। अभी बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं बंद कर देता हूँ और अगर स्टार्ट नहीं होती, मैं जंप स्टार्टर नहीं लेके आया हूँ, जो कि कम काफी जरूरी था, शायद कैरी कर लेना चाहिए था एक बैकपैक में, कोई दिक्कत हो कम से कम स्टार्ट हो जाए। बैटरी के शॉप पे जा रहा हूँ, अगर कुछ दिक्कत आएगी तो वो स्टार्ट कर देगा। पोल्यूशन भी एक्सपायर हो चुका है, पोल्यूशन के लिए भी यहाँ पे जाना है, देखते हैं यहाँ पे, नहीं तो दूसरे वाले पे जाना है। पेपर्स कंप्लीट होने चाहिए, वो थोड़ा सा कंप्लीट इसलिए नहीं था क्योंकि बाइक को बाहर लेके नहीं आया था, और है तो सही यहाँ पे, शायद कर देगा वो। पहले बैटरी का काम कराते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं। यार बाइक के मैंने पोल्यूशन 3 महीने वाला कटता है, मैं हिमाचल गया था वहाँ 6 महीने का कटा था, 6 का या 5 का पता नहीं, जो भी था ज्यादा था और काफी अच्छा था, वहीं पे जाना पड़ेगा शायद दोबारा पोल्यूशन कटवाने के लिए। उस चक्कर में एक ट्रिप भी हो जाएगी, प्लस बाइक का भी एक राउंड हो जाएगा, और मेरा भी थोड़ा सा टूर सा बन जाएगा, मतलब सब कुछ हो जाएगा उसमें। तो ये एमरोन का स्टोर है, यहाँ पे पता करता हूँ एमरोन की बैटरी होगी इसके पास। ये न्यूट्रल किया, मन नहीं करते ऐसे ही खड़ी करते हैं, बैटरी होगी इसकी ड्यूक 390 है, पता नहीं आप देख लो एक बार, अब बंद करूंगा तो भी रिस्क रहेगा। वारंटी गारंटी क्या होगी इसकी? वर्क इज नॉट डन,
क्या हुआ, अब कल आना पड़ेगा, कह रहा बैटरी कल आएगी, तो जानकारी निकल गई, तो सोचा कि अब जानकारी निकाल ली गई है तो कल आते हैं, इसी से बैटरी चेंज कराते हैं। काफी अच्छा वारंटी भी देने वाले हैं, एक्सटेंडेड वारंटी भी देने वाले हैं, प्राइस में भी थोड़ा सा कटौती कर लेंगे, तो कल आते हैं, क्या दिक्कत है यार कल आने में। बाकी बाइक स्टार्ट हो गई अपने आप, तो कोई दिक्कत नहीं आई। कल सुबह मॉर्निंग में देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं होती है, 10 बजे 11 बजे से वापस आना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट डे है, अभी बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं होती है नहीं होती है, हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो हाँ हो गई। फोन आ गया था कि बैटरी रेडी है, आप आके लगवा लीजिए। छोटी बाइक में ये बेनिफिट होता है, देखो किसी की जरूरत नहीं है मुझे गेट खोलने के लिए, बड़ी बाइक में ऐसा नहीं होता, पहले पार्क करो फिर खोलो और फिर निकलो। चलने से पहले मैं थोड़ा सा ये एंगल सही कर लेता हूँ, फ्यूल लेवल भी लो दिखा रहा है, फ्यूल भी डलवा लेंगे। और जो एक काम रह गया था, क्या काम, काफी इम्पोर्टेंट काम था, पोल्यूशन भी बनवा लेंगे, और होपफुली 6 महीने का बन जाए, क्योंकि कुछ चेंजेस आ जाएगा रूल में, अगर नहीं आए होंगे तो कोई बात नहीं, 3 महीने का ही चलेगा फिर। वैसे ट्रैफिक वाले रुकवा तो नहीं रहे, मन नहीं कर रहा बनवाने का, बट बनवा लेना चाहिए यार। वैसे मैं ऐसा कभी करता नहीं कि पुलिस वाले नहीं रुकवा रहे तो नहीं बनवा रहा, बट पता नहीं माइंड में थॉट आया कि नहीं यार खड़ी खड़ी में क्या पोल्यूशन। एक चीज रह गई, सैनिटाइजर नहीं लेके आया, साथ में सैनिटाइजर लेके आना था, मास्क पहनना चाहिए था। अभी यहां से तो बोर नहीं करते, आगे निकलते हैं तब मिलते हैं आपसे। अभी भी टेम्परेचर तो दिखाती नहीं मेरी BMW की तरह, अगर वो दिखाती तो क्या बात थी, टेम्परेचर पता चल जाता कि कितनी गर्मी हो रही है। बारिश हुई थी परसों थोड़ी बहुत, तो कल वेदर थोड़ा सा सही रहा था, क्लाउड कवर रहा था, बट आज कुछ नहीं है, आज सब गर्मी फुल गर्मी। और अभी रहने वाली है जून जुलाई, इंडिकेटर दे रखा है, मुड़ोगे क्या पता नहीं है, तो ऐसे ही देते हैं। बस ये नेक्स्ट कट से है ना मिलने वाली है हमें वो शॉप जहाँ पे बैटरी चेंज होने वाली है, और बैटरी चेंज होने वाली है तो मुझे आने वाला है, ये लिख रहा Amaron वाली बैटरी डलवाने वाले हम, रीजन आई डोंट नो पर Amaron डलेगी। RC देनी है 9999953। जैसा कि आपने देखा होगा मैंने 500 का तेल डलवाया, फुल नहीं हुई, क्यों डलवाया, क्योंकि मुझे चेंज नहीं चाहिए था, चेंज में दिक्कत होती है, खुले पकड़ा देते हैं, और आजकल तो क्या होता है कॉइन्स पकड़ाते हैं, सिक्के पकड़ाते हैं, और उनको रखने में दिक्कत होती है, और प्लस थोड़ा सा वायरस का चक्कर होता है, तो अपने वॉलेट से नोट निकाला और दे दिया। ऐसे ही मैंने सेम यहाँ 60 रुपीज चेंज लेके आया था, मुझे पता था 60 रुपीज का यहाँ पे पोल्यूशन कटने वाला है, 60 रुपए मैं अलग से चेंज लेके आया था। तो मैं चाहता हूँ कम से कम मैं नोटों को हाथ लगाऊं, क्योंकि अब तो देखो टाइम कैसा आ गया है, पैसों को भी हाथ लगाने का मन नहीं करता है, तो ये अपनी सेफ्टी के लिए करता हूँ। और वैसे ना एक चीज फिर भी मैं भूल गया, सैनिटाइज करना, अब मैं घर जाके पहले सैनिटाइज करूंगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी छिड़क दूंगा, क्योंकि मेरा हाथ यहाँ पे टच हुए हैं। आई नीड टू बी केयरफुल, जितना हो सके उतना केयरफुल रहना चाहिए, आपको भी इतना हो सके उतना केयरफुल रहिए। जी बिल्कुल। सो इस वीडियो में इतना ही, अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिलते हैं ऐसे वीडियो में, लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम, बाय।